नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खास खबर। देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो लोगों की भागती हुई जिंदगी पर ब्रेक लग गया, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो चीजें सामान्य होने लगी। वही वजह है कि जिस वजह से कोरोना अभी तक हम कोरोना से निजात नहीं पा सके हैं, वहीं कोरोना वैक्सीन आने के बाद भी हम पर हावी होता जा रहा है। लेकिन लोगों के जहन में अब ये सवाल उठ रहा है कि वैक्सीन आने के बाद भी क्यों कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देश में कोरोना का कहर, क्यों बढ़ रहे हैं लगातार मामले, कोरोना के रोज आ रहे डराने वाले आंकड़े, नियमों में ढील बन रही बढ़ते मामलों की वजह। देश में होली का त्योहार तो हंसी खुशी निकल गया, लेकिन जो अब डरा रहा है वो है बढ़ते कोरोना के मामले। जी हां, देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए टीकाकरण शुरू हुए तो महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, इसके बाद भी देश में संक्रमण के आंकड़े कम नहीं हुए बल्कि एकाएक बड़े ही हैं। ऐसे में बार बार सवाल उठ रहा है क्यों वैक्सीन आने के बाद ग्राफ नीचे की बजाय ऊपर जा रहा है। देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुए भी एक साल हो गया है, जब कोरोना के मामले कुछ 100 ही थे, मामलों पर नियंत्रण किया गया, लेकिन अब हालात दोबारा बिगड़ते दिख रहे हैं। तुलना करें तो फरवरी 2021 के मुकाबले मार्च 2021 में संक्रमण के मामले 5 गुना रफ्तार से बढ़ रहे हैं। यहां तक कि विशेषज्ञ इसे कोरोना की दूसरी लहर का हमला बता रहे हैं। ये सब तब है जबकि हम कोरोना के बारे में कई जानकारियां जुटा चुके हैं और उससे बचाव के लिए टीका तक बना चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या डर खत्म होना भी वजह है? वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भी मामले बढ़ने की एक और वजह है लोगों का निश्चिंत हो जाना। पहले वैज्ञानिकों से लेकर डॉक्टरों तक के पास इस वायरस के बारे में खास जानकारी नहीं थी, इसीलिए लगातार सचेत रहने की बात की जा रही थी। इलाज की जानकारी ना होने की वजह से लोगों में डर बना हुआ था। वहीं इटली और अमेरिका में लोगों की मौत की दर ज्यादा होने की सूचनाएं भी लगातार मीडिया में आ रही थी, जिससे भारत की आबादी डर से ही सही लेकिन सचेत थी। नियमों में ढील, अब हालात दूसरे हैं। वैक्सीन आ चुकी है और नियम के मुताबिक दी भी जाने लगी है। इसके अलावा कोरोना की वैसे कोई निश्चिंत दवा तो नहीं है, लेकिन कई दवाएं हैं जिनसे मरीज को राहत मिल पाती है। लॉकडाउन के दौरान अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इस बीमारी के लिहाज से कई बदलाव हुए, लिहाजा अब बड़ी आबादी इसे लेकर निश्चिंत हो रही है और नियमों का उतना सख्ती से पालन नहीं कर रही। यही वजह है कि देश में एक बार फिर से कोरोना अपने चरम पर है। इसीलिए देश में पिछले 24 घंटे में जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण के 56,211 नए मामले सामने आए हैं। देश में आखिरी बार 23 मार्च को 56,000 से कम यानी कि वहीं 53,476 मामले आए थे। कल कोरोना से 271 लोगों की मौत हो गई है, हालांकि कल 37,028 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं देश में बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार भी है। एक बड़ी समस्या वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार है। बता दें, पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को टीका मिला, इसके बाद दूसरे चरण में शुरुआत में सरकारी अस्पताल की इसका केंद्र रहे, लेकिन फिर तत्काल ही निजी अस्पतालों को भी टीकाकरण की इजाजत मिली। इसकी वजह टीकाकरण की धीमी गति ही थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 8 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में हर रोज कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन 8 राज्यों से नए मामलों का योगदान करीब 86% है। देश में कोरोना वायरस के 63% सक्रिय मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। इस सब को देखते हुए दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच छोटी कक्षाओं के लिए फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाएंगे। दिल्ली के अलावा पंजाब, पांडिचेरी, गुजरात, हिमाचल, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों ने भी फिलहाल छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। लेकिन ऐसे में खुद को कोरोना से बचाने के लिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।